नमस्ते स्टूडेंट, मैं पीयूष उपाध्याय विजुअल फेड कंप्यूटर डिजाइन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम फिर एक नई टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के लिए। पिछले वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन की मैनुअल एंट्री कैसे की जाती है। तो आज स्टूडेंट हम जानेंगे डेप्रिसिएशन का जनरल एंट्री टैली पे करने का सही तरीका क्या है, किस अकाउंट में डालेंगे और उसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन का जनरल एंट्री। तो दूसरा स्टूडेंट, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और किसी प्रकार का कोई गलती है ना तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा और अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं टैली में डेप्रिसिएशन अकाउंट की जनरल एंट्री करने का सही तरीका क्या है, यानी डेप्रिसिएशन की एंट्री आप टैली में कैसे पास करेंगे। तो स्टूडेंट सबके सबसे पहले हम टैली में जाकर एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। ये आपके सामने स्टूडेंट एक टैली का कंपनी यहाँ खुला हुआ। अगर आप एक कंपनी क्रिएट करने आपको आता ही होगा, आप यहाँ पे क्रिएट पे इंटर करेंगे एंड यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन नाम से कंपनी बनाएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट इंटर कर दिया स्टूडेंट एंड इंडिया अपना जो कंट्री आपका है वो डाल दीजिए, जो आपका स्टेट है वो स्टेट, जैसे हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है, चूज कर लिया एंड डेटा बना के सेव कर लेंगे। यहाँ डेट डालेंगे 1/4/2020 एंड बना के सेव कर लिया एंटर। ये कंपनी आपके सामने रजिस्टर हो रही है स्टूडेंट। ये टैली में डेप्रिसिएशन नाम की कंपनी बन गई। देखिए लेफ्ट साइड आपके कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट नाम से कंपनी बन चुकी है। और अब हम जाते हैं कि किस क्वेश्चन को इसमें जनरल एंट्री बनाना है। तो आइए हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो आपके सामने ये है टैली में डेप्रिसिएशन अकाउंट की जनरल एंट्री करने का सही तरीका। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, ये दिखा रहा है कि इसमें इस सारे जो एंट्रियाँ दिखाई जा रही है, कंप्यूटर परचेज फॉर कैश 45,000, दूसरा है जनरेटर परचेज फॉर कैश एंड 65,000, तीसरा है फर्नीचर परचेज फॉर कैश 8,000 एंड चौथा है मोबाइल परचेज फॉर कैश ऑफ 5,000। तो ये चार एंट्री स्टूडेंट पास करना है। 31st को इसकी डेप्रिसिएशन निकालना है। दिखाए मेंटेन द जनरल एंट्री विथ डेप्रिसिएशन एंड शो ओपनिंग वैल्यू, यानी इसकी पूरी जनरल एंट्री पास करनी है और साथ ही इसका डेप्रिसिएशन निकालने के बाद अगले साल इसकी वैल्यू क्या होगी उसकी वैल्यू भी दिखाना है। तो ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट ऊपर फंक्शन की, यानी इसके सारे एंट्री है, नगद परचेज की जा रही है, ऑफिशियल यूज के लिए सारे परचेज की जा रही है। तो इसकी एंट्री पास करेंगे हम पेमेंट में, F5 में एंट्री। तो वापस हम टैली में चलते हैं। तो टैली में आपके सामने स्टूडेंट आ गए हैं और हम अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे, इंटर कर दिया। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पे जो एंट्री पास करना है, ये आपके सामने जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो इसकी क्या क्या एंट्री हमें पास करना है, किसके अंडर कौन सा हेड जाएगा, तो इसका भी मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है। ये देखिए स्टूडेंट, लेजर मैंने यहाँ पर बना दिया हुआ है, कंप्यूटर का लेजर बनाना है। कंप्यूटर जाएगा फिक्स एसेट्स में जो ऑफिशियल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जनरेटर फर्नीचर ये जो भी बिजनेस के स्थायी संपत्ति होते हैं, ये सारे आपके फिक्स एसेट्स, उन्हीं पर डिप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। तो ये हमारे कंप्यूटर, जनरेटर, फर्नीचर और मोबाइल, ये सब हमारे ऑफिशियल यूज हो रहे हैं और जिसकी डिप्रिसिएशन आपको निकालना है। तो सभी आपके फिक्स एसेट्स होंगे और डिप्रिसिएशन आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसकी वैल्यू डाउन होती थी, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। तो चलिए पहले इसका लेजर बनाया जाए। तो F5 ऑलरेडी आपका फंक्शन की चूज है, F5 आपका ऑलरेडी चूज है, तो आपको सीधे यहाँ पे अल्टर सी कर लीजिए। तो अल्टर सी करने के बाद आप सीधे यहाँ से आपका लेजर क्रिएट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे किस नाम से, कंप्यूटर नाम से, कंप्यूटर अकाउंट नाम से लेजर बनाया एंड फिक्स एसेट्स सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर एंड सेव करा लीजिए। तो इसकी कितने का कंप्यूटर परचेस किया हुआ, इसकी क्वेश्चन फिर वापस आप क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन आपका कितने का, 45,000 का कंप्यूटर खरीदा हुआ है। तो यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 45,000, इंटर कर लीजिए स्टूडेंट एंड कैश इंटर नरेशन लिखिएगा, बीइंग कंप्यूटर परचेज फॉर कैश, ठीक है, ये नरेशन लिख दिया आपने स्टूडेंट, इंटर एंड सेव करा दिया। ये पहली एंट्री आपकी अप्रैल में पास हो गई। आई स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है 10/6 जनरेटर परचेज फॉर कैश। ये भी आपको ये 10/6 को पास करनी है। स्टूडेंट हम जो टैली यूज कर रहे हैं ये पैरेसी टैली है, ओरिजिनल टैली नहीं होता है। अगर ओरिजिनल पे काम करेंगे तो आप डेट चेंज कर लेंगे, यानी F2 से आप डेट चेंज करेंगे, जो डेट डालेंगे वो डेट लेगा, लेकिन ये पैरेसी टैली है तो यहाँ पे डेट नहीं चेंज होगा, केवल मंथ हम चेंज कर सकते हैं। तो जो वहाँ पे जो डेट स्टूडेंट दिख रहा है वो डेट हमारा दिख रहा है 10/6, तो हम 10/6 के बजाय
हम 1/6 में इसकी एंट्री पास करेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपका ओरिजिनल टैली है तो आप डेट के हिसाब, जो डेट है उसी डेट को आप एंट्री डालेंगे। तो यहाँ पे केवल हम एंट्री डेट के हिसाब से, डेट लॉक है इसीलिए हम मंथ के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट क्या है, जनरेटर परचेज फॉर कैश, यानी 10/6 का है तो इसका एंट्री हम पास करते हैं जनरेटर। जनरेटर अकाउंट इसको डालेंगे फिक्स एसेट्स में, स्टूडेंट सेव कर लेंगे इसको। एंड कितने के जनरेटर स्टूडेंट वो देख लीजिए, आपका जनरेटर हमारा कितने का स्टूडेंट है, एंड 65,000 का जनरेटर है तो वहाँ पे 65,000 आप डाल देंगे जनरेटर पे। अमाउंट डालते समय वही जल्दबाजी नहीं है, आसानी से जब बिल बनाई तो कोई जल्दबाजी नहीं, क्या क्या लीजिए हर चीज़ को ध्यान से देखिएगा। एंटर यहाँ लिखिएगा बीइंग जनरेटर, जनरेटर परचेज परचेज फॉर कैश, ओके एंटर एंड सेव करा दिया। तो ये आपका जून में एंट्री पास हो गई। तीसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 12 दिसंबर को है फर्नीचर परचेज फॉर कैश, 8,000 की एंट्री पास करना है। तो डेट F2 से चेंज करेंगे आप, यहाँ पे हमारा जो इंटर डेट है वो 12 दिसंबर है, तो यहाँ पे हम 1 दिसंबर कर देंगे, यानी दिसंबर में एंट्री पास होगी, लेकिन 12 को बजाय 1 तारीख को मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि डेट हम डेट हमारे फंक्शन में नहीं चेंज होगा, क्योंकि हमारा पैरसी है। अगर आप लोग कहीं काम कर रहे हैं तो आप ओरिजिनल पे ही डेट चेंज करने की फैसिलिटीज होती है, ध्यान रखिएगा। एंटर एंड हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने का फिक्स एसेट्स हो गया, एंटर एंटर एंड कितने का फर्नीचर स्टोर, वो एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। फर्नीचर 8,000 का है, यहाँ पे 8,000 यानी 8,000 आप लिख दीजिएगा। इंटर टू कैश नरेशन, सेम नरेशन रहेगा, बीइंग बीइंग एंड फर्नीचर फर्नीचर परचेज फॉर कैश, इंटर एंड सेव, ये इसमें पास हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका है तीसरा क्वेश्चन, चलिए मोबाइल परचेज डीआर टू कैश, ये भी आपका एंट्री यानी 1 जनवरी में है, तो आइए डेट चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे 1/1 कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक देखिए, यहाँ डेट 1/1 यानी देखिए यहाँ पे लास्ट से, यहाँ पे 1 लिस्ट देखिए 1 जनवरी 2021 में पास कर रहे हैं। एंड हम मोबाइल का एलिजिबल बनाते हैं, मोबाइल मोबाइल अकाउंट डेबिट फिक्स एसेट्स इसको भी डालिए, मोबाइल कितने का 5,000 का अकाउंट, 5,000 का मोबाइल है, एंटर टू कैश। एंड नरेशन बीइंग मोबाइल परचेज फॉर कैश, ओके। एंड ये सारे जो एसेट्स आपने खरीदा ये ऑफिशियल यूज के लिए था, इसलिए सभी एंट्री, ये मैंने इसको जनरल नगद पेमेंट किया था, इसलिए FI में पास कर दिया है, और सभी हमारे ये ऑफिशियल यूज है, तो ये सभी आपके फिक्स एसेट्स है, तो इसको हमें फिक्स एसेट्स में दिखा दिया। अब आइए 31 मार्च को इसका डिप्रिसिएशन निकालें। तो स्टूडेंट आपके सामने डिप्रिसिएशन यहाँ पास किया गया है, जो हम इसका निकालने का तरीका पहले क्वेश्चन में यानी पहले इसके वीडियो में दिखाया था, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाला हुआ है, अगर इसको देख लीजिएगा ये कैसे निकाला गया है। हम डायरेक्ट इसकी जो एंट्री निकाला गया इसकी बस वैल्यूशन हम डायरेक्ट चाहते हैं टैली पे। तो आइए, तो यहाँ पे हम F7 पास करेंगे, जैसे मैंने बोला था F7, यहाँ पे एक लेजम डालेंगे अल्टर सी डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजम डाल दीजिए, ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दीजिए एंड सेव करा लीजिए, ओके। अब यहाँ पे टोटल फिगर देख लीजिए कितना है, 37,525 रुपया, तो यहाँ डाल दीजिए 37,525, ये इंटर कर दीजिए। इंटर पहला आइटम क्या है, कंप्यूटर, कंप्यूटर सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर। अब कंप्यूटर का डिप्रेशन कितना करता है, 27,000 रुपया इसका डिप्रेशन आया हुआ है, तो इसका 27,000 रुपया यहाँ डाल दीजिए स्टूडेंट, इंटर। एंड दूसरा आइटम क्या है स्टूडेंट, दूसरा आइटम है आपका जनरेटर है, तो जनरेटर सेलेक्ट कर लीजिए स्टूडेंट, जनरेटर। जनरेटर की वैल्यू कटी है आपका, आया है 9,750, तो यहाँ पे 9,750 डाल दीजिए, इंटर। एंड तीसरा स्टूडेंट क्या है, फर्नीचर है, फर्नीचर का अकाउंट देख लीजिए, फर्नीचर कितने का स्टूडेंट है, यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू दिया है, इसमें इसका डिप्रिसिएशन है 400 रुपये, तो यहाँ पर 400 रुपये डाल दीजिए, इंटर। एंड चौथा आइटम क्या है आपका, मोबाइल है,
ये मोबाइल पे आया है 375 रुपये। देखिए 375 रुपये ये है, एंटर डायरेक्शन लिख दीजिएगा, बीइंग डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डिडक्टेड, डिडक्शन फॉर कंप्यूटर सिक्सटीन% एंड जनरेटर 15%, फर्नीचर 10% एंड मोबाइल 15%। ओके स्टूडेंट, ऐसे पूरा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं आप, एंटर एंड सेव। तो ये आपका डिप्रिसिएशन की एंट्री पास हो गई। तो स्टूडेंट आपने देखा कि डिप्रिसिएशन की जनरल एंट्री टैली में करने का सही तरीका क्या है, किस फंक्शन में पास करना चाहिए और उसका नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या रखना चाहिए। तो वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। जो व्यक्ति अकाउंट्स लाइन में काम करना चाहता है या अकाउंट्स लाइन में अपना भविष्य बनाना चाहता है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए नमस्कार।